वहां तुम्हें जाना तो चाहिए, पर वैसे भी वहां पर कोई है भी नहीं करने वाला। लेकिन भाईजान 2-3 दिन के लिए बुला रहे हैं। ठीक है चली जाओ, लेकिन ये भी सच कि अब तुम्हारे बगैर रहना मुश्किल है। तो आप रोज शाम को आ जाए करें वहां। बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, रोज रात को मैं आ जाया करूँ। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। बैठो मैं जूस भिजवाती हूँ। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, नसरीन ले आएगी, आप जहमत ना करें। नसरीन के हाथ ही भेजूंगी, तुम बैठो अपने बाबा के पास, उनको तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। बैठो मैं आती हूँ। क्या कह के गई हैं ये, मतलब मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती? बाबा आप इन्हें समझा लें अच्छी तरीके से, ये मेरे हर मामले में टांग अड़ाती है। क्या हो गया यसरा बेटा, कैसे बोल रही? ऐसी बात है बाबा, आप जानते हैं आपके मुंह पे ये कुछ और होती है और आपके पीठ पीछे इनका रवैया बिल्कुल बदल जाता है। मेरे हर मामले में रोक टोक करती है और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। दूसरा बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हूँ। बाबा मुझे उनके ख्याल की नहीं, आपके प्यार की जरूरत है। बहुत ख्याल है मुझे, बहुत प्यार भी। यहाँ क्यों आए हो? बताता हूँ, एक सेकंड, इधर आओ, इधर 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 आके बैठो। प्लीज थैंक यू। पर मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, वो मैं सोच रहा था कि ये शॉपिंग तो हो जाएगी, पहले कुछ खा लिया जाए, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया मैंने। मैं तो नाश्ता करके आई, अब तुम करके नहीं आए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो रात में तुम नाराज हो गई थी ना, अब मैं बहुत अपसेट हो गया था, अब कैसे कुछ खा सकता था। लेकिन मैं तो जब नाराज होती हूँ डट कर खाना खाती, किसी और की गलती की सजा मैं खुद को क्यों दूँ? अच्छा सुनो ना अनुषा, अनुषा माफ कर दो ना, पता नहीं क्या कुछ कह दिया मैंने, मुझे तो याद भी नहीं है। सच मुंह से निकल गया था। नहीं, कसम से कुछ सच नहीं, मतलब वो तो जो मुंह में आ रहा था बोला जा रहा था, मुझे बोला ना याद नहीं है क्या बोल रहा था मैं। क्यों तुम सोचने और समझने की सलाहियत से महरूम हो गए थे? हाँ मुझे अंदाजा नहीं था कि सच बोलना और झूठ बोलना तुम्हारे लिए एक बराबर है। तुम मुझे माफ नहीं करोगे? सच में नहीं करोगे? तो ठीक है मैं अब इन सबके सामने तुमसे माफी मांगता हूँ, वो भी यूं नहीं कान पकड़ के तुमसे माफी मांगूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ देखने तो सबको, मुझे कोई फिक्र नहीं है। अनुषा प्लीज मुझे माफ कर दो, हमेशा तुम्हारे आगे सर झुका के रहूंगा, तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगा, प्लीज मेरी बात मान लो। हारिस मैं तुम्हें पकड़ के मारूंगी। हाँ मारो नहीं बल्कि मेरे गला दबा दो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत डरा दो, प्लीज मुझे माफ करो। माफ किया तुम हारिस के बच्चे, ये बताओ माफ किया नहीं किया? फिर से करने दूंगा। अभी बच्चे कहाँ से आ गए बीच में, अभी तो शादी खसारे में लग रही है मैडम, बात बात पर रूठ जो जाती है। ये हंसी, ये मुस्कुराई, शुक्र मेरी जान में जान आई यार। अनुषा प्लीज रूठा मत करो यार, मेरी जान निकल जाती है, और कल जो तुम नाराज हुई ना आधी जान तो निकल गई थी, और सोचा कि आधी जान जब तुमसे मिलूंगा तो तुम खुद ही निकाल दो। चाओ।